हेलो थर्ड ईयर, मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स। आज थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर यानी क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने जा रही हूँ। यह पेपर आपका 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आप इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिज़िक्स यानी क्वांटम भौतिकी का विकास पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट के अंदर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस यानी श्रोडिंगर तरंग समीकरण और उसके हल के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट के अंदर आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशंस इन स्पेशल केसेस यानी विशेष अवस्थाओं में श्रोडिंगर समीकरण के हल, इसमें आप फ्री स्टेट प्रॉब्लम्स, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम, ऐसी कई प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। फोर्थ यूनिट के अंदर आप हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन परमाणु, परमाणविक एवं आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस तरह से आपके सिलेबस के अंदर 4 यूनिट्स हैं। आज मैं आपके फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट यूनिट के अंदर आप इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिज़िक्स यानी क्वांटम भौतिकी का विकास कैसे हुआ, इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर क्वांटम थ्योरी, ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंटल एविडेंस थे जिनके कारण क्वांटम भौतिकी का विकास हुआ, कहाँ कहाँ आपकी क्लासिकल थ्योरी फेल हुई। क्लासिकल थ्योरी से अर्थ है कि हम जानते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसे हम न्यूटनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, न्यूटन के 3 नियमों पर आधारित है। पहला नियम है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, दूसरा है लॉ ऑफ फोर्स यानी बल का नियम, तीसरा है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन यानी क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम। इन 3 नियमों पर आधारित जितनी भी समीकरणें हैं, उन समीकरणों के द्वारा मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, स्पेशली जिनका वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट से काफ़ी कम है, इनका तो मोशन स्टडी हो गया, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड में या 20वीं शताब्दी का प्रारंभ कह लो, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आ गए, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व कर लिए गए, बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी मैटर की जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि इन एडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हैं, यानी चिरसम्मत भौतिकी की असफलताएं कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी फेल हुई और कहाँ कैसे क्वांटम यांत्रिकी का विकास हुआ। इसमें सबसे पहले है, इट डजंट होल्ड इन द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशंस, यानी जहाँ इलेक्ट्रॉन, एटम, इनके बारे में यदि हम स्टडी करने लगते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ आकर फेल हो गई। नेक्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यह स्थायित्व के बारे में, अणु के स्थायित्व के बारे में एक्सप्लेन करने में असफल रही। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रदरफोर्ड मॉडल आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर भी ये बात बताई गई थी कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में वो फेल हुआ और बाद में बोहर एटॉमिक मॉडल के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्व स्पेक्ट्रा ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी कृष्णिका का जो स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रा था, उसको भी एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। नेक्स्ट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। इससे पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा की बात की जाती थी, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा जैसे ही आया, एक्सपेरिमेंट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके द्वारा ये डिस्कस हुआ कि स्पेक्ट्रा डिस्क्रीट होता है, इसको भी एक्सप्लेन करने में ये क्लासिकल थ्योरी असफल रही। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनास थे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इन सब को भी एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। अब हम एक एक करके इसको स्टडी करने लगेंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं। इसमें सबसे पहला फैक्ट है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका किसे कहते हैं। कृष्णिका अ बॉडी विच कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अर्थात एक ऐसा भौतिक पिंड जो आदर्श अवशोषक की भांति कार्य करता है, यानी इस पर किसी भी वेवलेंथ की रेडिएशन यदि इंसिडेंट किए जाएं तो ये सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इसका अवशोषण गुणांक ए एक के बराबर होता है। किरचॉफ लॉ के अनुसार गुड एब्जॉर्बर्स जो होते हैं वो गुड एमिटर्स भी होते हैं, तो इसीलिए ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर यानी उत्सर्जन क्षमता भी एक के बराबर होती है। इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। ये एक डबल वॉल की बॉडी है, ये इसके अंदर विंडो है, यहाँ से यदि कोई भी रेडिएशन इसके अंदर आएगा तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के द्वारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगे और उनके द्वारा ये कम्प्लीटली इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है, द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स ड्यू टू इट्स अजम्पशन दैट एनर्जी चेंजेस कंटिन्यूसली, बट एक्चुअली अ ब्लैक बॉडी डजेंट रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली। यानी ये पहले से पता था कि जो एनर्जी एमिट होती है वो डिस्क्रीटली होती है, लेकिन इससे पहले ये कहा गया कि वो कंटिन्यूसली होती है। तो सबसे पहले जब इसको एक्सप्लेन क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया तो ये मान लिया गया कि इट एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ टिनी पैकेट्स और क्वांटा जिसे फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रा ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम रेडिएशन स्पेक्ट्रम, कृष्णिका विकिरण स्पेक्ट्रम की विशेषताएं। 1958 में किरचॉफ ने ये प्रिंसिपल दिया कि किस प्रकार से ये रेडिएशन एमिट करता है ब्लैक बॉडी, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं किया उन्होंने। उसके 40 साल के बाद यानी आफ्टर 40 ईयर्स इन 1898 ल्यूमर एंड प्रिंगशम ऑब्टेंड द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रल एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी। जो स्पेक्ट्रा था डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये ब्लैक बॉडी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ये कर्व में एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य है और वाई एक्सिस पर स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता जिसे ई लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ये ली गई है। ये जो कर्व खींचा गया है ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर है कि ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर पहले T1 रखा गया, ये उसका फर्स्ट कर्व उसका कर्व है, फिर टेम्परेचर T1 से बढ़ाकर T2 कर दिया गया यानी T2 इज ग्रेटर देन T1, ये T2 का कर्व है आपका। इन सभी कर्व में फिर T3 का इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाते हुए अलग अलग कर्व खींचे गए हैं। इन कर्व्स के द्वारा जो कंक्लूजन्स मिले उन कंक्लूजन्स को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या कंक्लूजन्स हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ई लैम्डा वेवलेंथ के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज ई लैम्डा फॉर एवरी वेवलेंथ इंक्रीजेज, देख रहे हैं आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी ई लैम्डा जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट है आपका एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर यदि हम बात करें, एक कर्व की बात करें, तो इसके अंदर आपको जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है प्रारंभ में जैसे जैसे आपका लैम्डा बढ़ता जा रहा है ई लैम्डा का मान बढ़ता जाता है, एक सर्टेन वैल्यू पर आकर ये मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद जैसे ही लैम्डा और बढ़ाया जाता है ई लैम्डा का मान आपका कम होता जा रहा है। सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज लैम्डा इंक्रीजेज ई लैम्डा इंक्रीजेज टिल इट बिकम्स लैम्डा एम, वो वैल्यू जिस वैल्यू पर ई लैम्डा मैक्सिमम हो जाता है उस वेवलेंथ को हमने लैम्डा M1 के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। अगला जो आपका कंक्लूजन आपको मिला वो कंक्लूजन क्या था, द कर्व्स आर कंटिन्यूस, ये सारे कर्व्स कैसे हैं आपके, कंटिन्यूस हैं यानी सतत हैं। नेक्स्ट, इन दी इट इज फाउंड दैट द एरिया बिलो द कर्व इंक्रीजेज एज टेम्परेचर राइज एंड दिस इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विच वेरीफाइज स्टीफन्स लॉ। यानी आप देख रहे हैं इस कर्व की हेल्प से आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे आपका टी बढ़ता जा रहा है कर्व के अंडर का एरिया जो है वो बढ़ जाता है, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू द
फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी ई इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर फोर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हम यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाता है सिग्मा, जिसे हम स्टीफन्स कॉन्स्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ फाउंड दैट द पीक ऑफ ईच कर्व, जैसा कि आपको इस चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पीक जो है, जिस पीक पर आकर, जिस वेवलेंथ पर आकर आपका ई लैम्डा मैक्सिमम हो रहा है, वो आपका लोअर वेवलेंथ साइड में शिफ्ट होता जा रहा है। ई लैम्डा एम यानी टी वन टेम्परेचर पर यहाँ था, टी टू टेम्परेचर पर ये इधर आ गया, टी थ्री पर यहाँ आ गया, टी फोर पर यहाँ आ गया। यानी वी गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड टी इज दैट लैम्डा एम और टी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लैम्डा एम कम होता जा रहा है। इट मीन्स इफ आई मल्टीप्लाई लैम्डा एम एंड टी, वी गेट अ कॉन्स्टेंट, एंड दिस लॉ इज नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। एक और चीज़ जो यहाँ से रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको प्राप्त हो रहा है, वो है कि हर एक वेवलेंथ पर, किसी भी वेवलेंथ पर, वेवलेंथ की कोई भी वैल्यू हो, उस पर ई लैम्डा का मान फोर्थ पावर के टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल है, बट एट ई लैम्डा एम फिफ्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ के प्रोपोर्शनल आता है। यानी ई लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू द टू टू द पावर फाइव, एंड दिस शोज दैट पीक्स आर मोर शार्प। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पीक आपके शार्प होते जा रहे हैं। सो दिस प्रूव्स दैट ई लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू द टी टू द पावर फाइव। नेक्स्ट इसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेस्ड ऑन क्लासिकल थ्योरी। आपको चिरसम्मत सिद्धांत पर आधारित कृष्णिका विकिरण वक्र के नियम एक्सप्लेन करने हैं कि किस प्रकार से, किन नियमों के द्वारा मैथमेटिकली इन कर्व्स को एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी के अनुसार 1896 में वीन्स के द्वारा इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स को एक्सप्लेन किया गया, और उसके द्वारा थर्मोडायनेमिक्स के नियमों का सहारा लिया गया। सो बाय यूजिंग द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही गेव द लॉ दैट ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा टू द पावर फाइव ई की पावर माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। ये नियम दिया गया वीन्स के द्वारा, इसी को हम वीन्स का रेडिएशन लॉ भी कहते हैं। इस नियम के आधार पर इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया, तो ये देखा गया कि ये लॉ इसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। ये केवल इसके द्वारा केवल लो वेवलेंथ रीजन को ही एक्सप्लेन किया जा सका। ही एक्सप्लेन्स ओनली द स्मॉलर वेवलेंथ रीजन। उसके बाद 1898 के अंदर रेले एंड जीन्स के द्वारा प्रयास किया गया। ही यूज द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसे मोड्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। रेले के द्वारा जो नियम दिया गया वो था ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा। यहाँ पर के क्या है, के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। लेकिन इस नियम के सहारे जब रेले ने इसको प्रयास कर ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, देन अगेन ही ऑल्सो फील्ड। इनके द्वारा केवल लॉन्गर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन किया जा सका, ये स्मॉलर वेवलेंथ रीजन को एक्सप्लेन करने में पूरी तरह से फेल हो गया। इट मीन्स क्लासिकल थ्योरी इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द होल कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा। इसको पूरे कर्व को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्लैंक्स थ्योरी यानी क्वांटम थ्योरी के द्वारा किस प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।